भूत जब नेताओं के सर पर सवार होता है तो अजब गजब घटनाएं होने लगती है। कोई पाला बदलता है, कोई पार्टी बदलता है, पुरानी बातें याद दिलाई जाती है, गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, किसी भी बात का बतंगड़ एक मिनट में बता दिया जाता है। आज दिन भर के सियासी बवाल और बवाल दिखाने के लिए हम हाजिर हैं सवालों के साथ। शुरुआत कश्मीर से, जहां लोकसभा से पहले पंचायत चुनाव कराने की बात हो रही है और आतंकवादियों ने पॉलिटिकल प्रोसेस को पलीता लगाने का खतरनाक पैंतरा आजमाया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए आतंकी संगठनों ने अब पुलिस कर्मियों के परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आतंकी अब बुजदिली पर उतर आए हैं। पहले वो निहत्ते सुरक्षा कर्मियों को अगवा कर उनकी हत्या कर रहे थे और अब पुलिस कर्मियों के परिवार वाले उनके निशाने पर हैं। दक्षिण कश्मीर में पिछले 48 घंटे में आतंकियों ने पुलिस कर्मियों के 11 परिजनों को अगवा कर लिया। हालांकि लगभग 24 घंटे बाद इन सभी को छोड़ दिया गया। अगवा किए गए लोगों में पुलिस अधिकारी और जवानों के बच्चे और रिश्तेदार शामिल थे। हिजबुल आतंकी रियाज नाइकू ने धमकी दी है कि अगर जेल में बंद उनके लोगों को नहीं छोड़ा गया तो ऐसी और घटनाओं को अंजाम देंगे। बीते 28 साल में यह पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पुलिस कर्मियों के परिजनों को टारगेट किया है। माना जा रहा है कि घाटी में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से आतंकी बौखलाए हुए हैं। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उनके साथ ज्यादा ज्यादती की गई तो सुरक्षा बलों के परिवार भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। अपहरण की इन घटनाओं के बाद अब घाटी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकियों ने इस घटना को ऐसे समय में अंजाम दिया है जब एनआईए ने वांटेड आतंकवादी सईद सलाउद्दीन के दूसरे बेटे को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने गुरुवार को श्रीनगर से हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद शकील अहमद को उसके घर से गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी आतंकी फंडिंग के मामले में की गई। इसी के बाद आतंकियों ने पुलिसकर्मियों के 11 परिजनों को अगवा कर लिया। इस घटना को ऑपरेशन ऑलआउट से बौखलाहट का नतीजा माना जा रहा है। ये बड़े पैमाने पर पहली घटना हुई है और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर उनमें बौखलाहट है। इस साल के शुरू से अभी तक तकरीबन 165 से 170 टेररिस्ट मारे गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में पिछले अनेकों साल से इस माफी की सफलता नहीं मिली और ये हर दिन सफलता बढ़ती जा रही है क्योंकि कश्मीर का आवाम खुद सामने आकर पुख्ता इनपुट दे रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस फोर्सेस को इनके बारे में, और इसकी वजह से वो घबरा गए, पाकिस्तान घबरा गया है और ये उनकी घबराहट का नतीजा है। ये स्वयं अपने आप को बेनकाब कर चुके हैं। विश्व के इतिहास में कोई भी ऐसा स्वतंत्रता सेनानी नहीं होता जो अपने ही समाज के लोगों की हत्याएं करता हो। यदि ऐसा होता तो इसका मतलब है कि ये स्वतंत्रता और स्वतंत्रता संग्राम के पावन शब्द और परिभाषा की भी अवहेलना और उल्लंघन करके अपने स्वार्थ की सेवा कर रहे हैं। तो स्वार्थ की सेवा कर रहे हैं, ये कहना है जितेंद्र सिंह का। इसी पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जम्मू से लाइव जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी अजय जांडियाल और साथ ही साथ आरिफ बिलाल श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, 28 साल में पहली वारदात जब कश्मीरियों को अगवा किया गया वहां के आतंकवादियों के द्वारा, ऐसा क्यों हुआ और इस रणनीति में बदलाव का कारण क्या था? क्योंकि अभी तक कश्मीरियों को टच नहीं करते थे आतंकवादी, ऐसा माना जाता था कि वो उनके सिंपथाइजर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पिछले तीन दहाइयों से कश्मीर में आतंकवाद चल रहा है और ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि पुलिस वालों के परिजनों को किडनैप किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उसका रद्देमल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले हिजबुल मुजाहिदीन के जो ऑपरेशन कमांडर यहाँ पे रियाज नाइकू, उनको उनके पिता को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया था और उनसे पूछताछ चल रही थी। इसके अलावा कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ आतंकियों के घरों को जलाया है, वहां पे तोड़फोड़ की है। तो उसी के रद्देअमल में आज ये रिएक्शन देखने को मिला और ऐसा खुद हिजबुल मुजाहिदीन ने एक स्टेटमेंट के द्वारा कहा है कि ये उसका रिएक्शन है जो पिछले कुछ दिनों से घटनाएं घट रही है। और आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि आज जब रियाज नाइकू के पिता असदुल्ला नाइकू को पुलिस ने छोड़ दिया तो उसके बिल्कुल दो तीन घंटे के बाद अगवा किए गए लोगों की रिहाई शुरू होगी। पहले तीन लोगों को छोड़ा गया और उसके बाद एक एक करके अब खबरें आ रही है कि सभी लोग जो है अपने अपने घरों को सुरक्षित पहुंच गए हैं। इसके अलावा रियाज नाइकू की तरफ से आज एक स्टेटमेंट भी आया है जिसमें पुलिस को तीन दिन का समय दिया गया है। उनको कहा गया है कि पिछले दिनों जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको तीन दिन के अंदर छोड़ा जाए वरना पुलिस के खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल ये चेंज ऑफ स्ट्रेटजी है मिलिटेंटों की तरफ से, खासकर हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से। वो आप परिजनों को, जो पुलिस कर्मी जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनके परिजनों को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल आरिश, आपने बताया कि ये चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है, लेकिन चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो क्या करेंगी, जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अजय के पास। अजय, क्या करेंगी सिक्योरिटी फोर्सेस? ऐसे में तो उनके हाथ बंद जाएंगे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन मुझे पता है कि बंधने नहीं देंगे अपने हाथ सिक्योरिटी फोर्सेस वाले। बिल्कुल दीपक जी, आपने सही कहा। जिस तरीके से पिछले 30 साल से सुरक्षा बलों ने, चाहे वो सेना है, सीआरपी है या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है कश्मीर में, उन्हें कई तरह के चैलेंजेस आए हैं। हमने आला अधिकारियों से बात की है जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनका कहना है कि ऐसी धमकियों से अगर वो डर जाएंगे तो कश्मीर में एक बार फिर से शांति लाना कहीं ना कहीं असंभव हो जाएगा। ऐसे में ऐसी चुनौतियों से पार पाते हुए कहीं ना कहीं कार्रवाइयां होंगी और जो ऑपरेशन जो चल रहे हैं वो रुकेंगे नहीं। यकीनन जो पिछले 24 घंटे थे वो उन परिवार वालों के लिए या फिर सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती का समय था, मगर उस चुनौती से पार पाते हुए कहीं ना कहीं आगे की रणनीति बनाई जाएगी और रणनीति इस तरह से बनाई जाएगी कि उनके परिवारों और पुलिस कर्मियों को जब वो छुट्टी पे जाते हैं या अपने घरों में जाते हैं तो उनको सुरक्षित किया जा सके। उसके साथ साथ कई ऐसी सुजेशन भी दी गई है पुलिस डिपार्टमेंट को ताकि उन लोगों के लिए जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके रहने के लिए बंदोबस्त किए जाए, क्योंकि लोग अपने घरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो पुलिस कर्मी हैं वो आगे फील्ड में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर खतरा बना रहेगा। मगर कहीं ना कहीं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जरूर बनाई जा रही है जिसके तहत इन लोगों को, जो घरों में परिवारजन है, उनको भी बचाया जा सके, सुरक्षा बल है उनकी भी कहीं ना कहीं हिफाजत हो सके और आतंकियों का भी सफाया हो सके। बिल्कुल, तो अब नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन अगर बात करें वहां के राजनीतिक लोगों की, तो राजनीतिक लोग हमेशा आग में घी डालने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में बंधक संकट को लेकर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक आपत्तिजनक बयान दिया है। महबूबा ने सुरक्षा बलों की तुलना आतंकियों से कर डाली। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा है कि आतंकी और सुरक्षा बल एक दूसरे के परिवार वालों को प्रताड़ित कर रहे हैं, यह निंदनीय है और हमारी स्थिति के स्तर के और नीचे गिरने का प्रतीक है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उमर ने एक तरह से अलगाववादियों पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा है कि लोगों के अपहरण घाटी की स्थिति के चिंताजनक होने का सबूत है। जो लोग सुरक्षा बलों की कथित कार्रवाई पर खूब शोर मचाते हैं, वे इन अपहरणों पर खामोश क्यों हैं? कश्मीर में इस बार सुरक्षा कर्मियों के परिवार वालों को अगवा करने की जो खतरनाक शुरुआत हुई है, वो आतंक के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। अब तक आतंकवादी स्थानीय कश्मीरियों के मामले में थोड़ी रियायत बरता करते थे, लेकिन हाल के दिनों में निहत्ते जवानों को अगवा करके उनकी हत्या और अब उनके घर वालों को अगवा करने की घटनाओं ने इस समस्या को गंभीर बना दिया है। आग में घी का काम किया है जम्मू कश्मीर के नेता कर रहे हैं, जो सुरक्षा बलों और आतंकवादियों को एक ही पलड़े में तोलने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवादियों की धमकी है कि अगर उनके परिवार वालों को सुरक्षा बलों ने परेशान किया या उनके घरों को जलाया गया तो ऐसी घटनाएं और गंभीर रूप ले लेंगी। पहले आतंकवाद का नंगा नाच, उसके बाद अलगाववाद की रट और साथ ही पत्थर फेंकने की घटनाएं, ये सभी एक ही तस्वीर के अलग अलग पहलू हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहद चिंताजनक है। इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने समय समय पर अलग अलग स्ट्रैटेजी पर काम किया है, लेकिन हाल फिलहाल की ये धमकी सुरक्षा बलों के हाथ बांधने वाली है। मेरी राय यह है कि सरकार को इस मुद्दे के तात्कालिक हल के लिए कुछ ऐसे रास्ते तलाशने होंगे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जाहिर सी बात है कि स्थिति को हाथ से बाहर कोई भी जाने देना नहीं चाहेगा। कथित शहरी नक्सलियों को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने आज बहुत बड़ा खुलासा किया है। महाराष्ट्र के एडीजी परमवीर सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नक्सलियों और बुद्धिजीवियों के बीच हुए पत्राचार को सार्वजनिक किया है। एडीजी ने दावा किया है कि नक्सलियों की साजिश कानून व्यवस्था बिगाड़कर सरकार गिराने की थी। पुलिस का कहना है कि नक्सली सरकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए हथियार और ग्रेनेड खरीदना चाहते थे। एडीजी का दावा है कि नक्सली भारी तादाद में ग्रेनेड लॉन्चर और हथियार खरीदना चाहते थे, जिसका जिम्मा बरबर राव को दिया गया था और इसके लिए 8 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। कैटलॉग जो बरबर राव को भेजा गया था, कैटलॉग वो आपसे मैंने शेयर किया, और ये वेपन प्रोक्योर करना श्री बरबर राव का कार्य था,
8 करोड़ उनको दिए जाने वाले थे और 4 लाख राउंड एंड ग्रेनेड लॉन्चर उनको प्रोक्योर करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था। सीपीआई माओस्ट की एक कॉन्स्पिरेसी थी एक ऑल इंडिया फ्रंट एस्टैब्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ खोलने का, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का, क्योस क्रिएट कंट्री, पहले क्योस क्रिएट किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक डाउन किया जाए और उसके द्वारा एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए, इस प्रकार का एविडेंस हमको सामने आया। लगभग 2 महीने तक हमने पूरी एविडेंस को एनालाइज किया, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, एकदम क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया, लिंक हो गया, एविडेंस मिल गई। उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद हमने इन लोगों के नाम ऐड किए एज अक्यूज 23 तारीख को और उसके बाद 29 तारीख को आप सभी को मालूम है देश में 9 जगह पर सर्चेस की गई। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत की खबर है। मोदी राज में पहली बार विकास दर 8% को पार कर गई है। अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर बार बार गिर रही सरकार के पास इस बार इतराने का बड़ा मौका मिल गया है। विकास दर के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में GDP 8.2% रिकॉर्ड की गई। इससे पहले की गई तिमाही में यानी जनवरी से मार्च में विकास दर 7.7% दर्ज की गई थी, यानी एक ही तिमाही में विकास दर में भारी इजाफा हुआ है। पिछले साल अक्टूबर से सितंबर के बीच दिसंबर के बीच GDP 7.2% रही थी, तो जुलाई से सितंबर की तिमाही में विकास दर 6.2% दर्ज की गई थी। 2017 की अप्रैल से जून की तिमाही में 5.7% GDP रही थी, यानी कि एक साल में GDP में 2.5% का इजाफा हुआ है। इस लिहाज से देखें तो इस बार अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है और विकास दर में लंबी छलांग लगाई है। बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और फार्म सेक्टर ने अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती दी है, जिसकी वजह से GDP में जबरदस्त उछाल आई है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार के लिए भले ही राहत की खबर हो, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर बुरी खबरों का दौर जारी है। जहां एक और रुपया लगातार गिर रहा है, वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला भी थम नहीं रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 71 तक फिसल गया। ओपनिंग 70.95 प्रति डॉलर पर हुई, लेकिन कुछ ही देर में 26 पैसे की गिरावट के साथ इसने 71 रुपए का सबसे निचला स्तर छू लिया। डॉलर की मांग बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा होने से रुपए पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे ये लगातार गिर रहा है। जनवरी से अब तक रुपए की कीमत में 10% तक गिरावट आ चुकी है। रुपए के गिरने के साथ साथ पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफा जारी है। आज पेट्रोल के दामों में 22 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दाम में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़त के साथ राजधानी में पेट्रोल की कीमत 78.52 रुपए और डीजल की कीमत 70.21 रुपए प्रति लीटर हो गई है। ताजा बढ़ोतरी के बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। यहां पेट्रोल 85.93 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 74.54 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बात राजनीति की, यूपी की राजनीति देश की दिशा तय करती है। इतिहास गवाह है, जिसने यूपी को जीता, जनता का दिल जीता, उसने देश पर राज किया। मोदी की लहर भी यूपी से ही निकली थी और सभी विरोधी दल यूपी से ही बीजेपी को हराने में 2019 का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। इस साल गोरखपुर, फूलपुर और कैराना लोकसभा उपचुनाव में BSP के समर्थन की बदौलत समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था। अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी दलों ने मान लिया कि यूपी में SP BSP का गठबंधन हुआ तो मोदी भी इसकी काट नहीं डूब पाएंगे। अखिलेश यादव लगातार कोशिश में जुटे हैं कि मायावती रूठने न पाए, लेकिन मायावती से पहले ही अखिलेश यादव के चाचा रूठ गए। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी सेक्युलर मोर्चा बनाकर यूपी की सभी 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जो हाशिए पर थे, उपेक्षित लोग थे, अपमानित लोग हो रहे थे, उनको सबको इकट्ठा करके हम लड़ाई लड़ेंगे आगे। और उत्तर प्रदेश की हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का 80 पर मैंने चुनाव लड़ा। समान विचार, समान जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं सब बात करेंगे।
अखिलेश के सामने अब दोहरी चुनौती है, उन्हें अपनी पार्टी के लोगों को चाचा के खेमे में जाने से रोकना है और मायावती को गठबंधन के लिए राजी रखना है। वहीं महागठबंधन का इशारा करने के बावजूद मायावती ने अब तक खुलकर नहीं बताया है कि वो क्या करने वाली हैं। दरअसल मायावती ने गोरखपुर, फूलपुर और कैराना उपचुनाव में इस बात को अजमा लिया है कि उनके कहने पर बीएसपी का वोट ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन 25 साल की राजनीतिक दुश्मनी भूलकर समाजवादी पार्टी के समर्थक बीएसपी को वोट देंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए मायावती अपनी पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर्स के जरिए पूरे प्रदेश में बीएसपी काडर का मन टटोल रही हैं। मायावती को यूपी में अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा है, दूसरे दलों को भी है। सूत्रों का कहना है कि मायावती को संभावित महागठबंधन से दूर रखने के लिए बीजेपी भी रास्ता तलाश रही है। वहीं महागठबंधन के लिए जोर लगा रहे बाकी दलों के नेता मायावती को बम्पर चुनावी ऑफर दे रहे हैं। कांग्रेस कई बार इशारा कर चुकी है कि राजस्थान एमपी और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी से गठबंधन के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में भी एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन में बीएसपी के लिए गुंजाइश खुली रखी गई है। 2019 के लिए यूपी की राजनीति बड़ी दिलचस्प हो गई है। यहां बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों डरे हुए हैं। बीजेपी को डर है कि एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ तो मिशन 2019 मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश यादव को डर है कि अगर मायावती ने गठबंधन नहीं किया तो वो न घर के रहेंगे न राजनीति के, और मायावती को डर है कि गठबंधन के बाद अगर एसपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो क्या करेंगी। मायावती को डर दूसरी तरफ भी है, गठबंधन से दूर रहने पर मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ना आसान नहीं होगा। यूपी में चाचा भतीजे शिवपाल अखिलेश के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के पसीने छुड़ाने वाली है। शिवसेना ने 2019 का लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने की घोषणा की है। आज शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की और हर लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। बैठक में ही उद्धव ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 18 सीट पर शिवसेना का कब्जा है। उद्धव ने कहा है कि जो 18 सांसद हैं उन सबको टिकट मिलेगा और बाकी की 30 सीटों के लिए नए चेहरे तलाश किए जाएंगे। ₹2019 के चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने एक बार फिर ओबीसी कार्ड खेला है। ओबीसी आयोग का बिल पास कराने के बाद अब सरकार ओबीसी जनगणना कराने वाली है। पहली बार 2021 की जनगणना में अदर बैकवर्ड क्लासेस का अलग से आंकड़ा जुटाया जाएगा। गृह मंत्रालय में जनगणना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में ओबीसी डाटा जुटाने के निर्देश दिए गए। जनगणना में अलग से ओबीसी का डाटा नहीं जुटाया जाता था, लेकिन 2021 की जनगणना में ओबीसी के आंकड़े अलग से रखे जाएंगे। सरकार के इस कदम के बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ओबीसी समुदाय की आबादी के आंकड़े जारी करने की लंबे समय से मांग होती रही है और अब इस मांग को मोदी सरकार पूरी करने जा रही है, जो अगले चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। पिछले चुनाव का वादा आने वाले चुनाव में सवाल और बवाल बनकर खड़ा हो जाता है, चाहे वादा तीर्थ यात्रा का ही क्यों ना हो। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बात हो रही है। कर्नाटक चुनाव के दौरान उन्होंने कैलाश मानसरोवर जाने की बात कही थी। अब राहुल कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना हुए तो चीन और डोकलाम का भूत उनके पीछे पड़ गया। बीजेपी पूछने लगी कि कैलाश जाने के लिए चीन क्यों जा रहे हैं। वैसे राहुल अपनी पर्सनल यात्राओं को पर्दे में रखते हैं। इस बार भी खबर है कि देश में चीन का बवाल मचाकर राहुल नेपाल पहुंच गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद से किया एक वादा निभाने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकल पड़े हैं। 2-3 दिन पहले हम कर्नाटक जा रहे थे और हवाई जहाज में थे। हवाई जहाज यूं नीचे की ओर गया, 8,000 फुट नीचे गिरा। मेरे दिमाग में आया कि मुझे कैलाश जाना है, कि मुझे कैलाश मानसरोवर जाना है। राहुल गांधी ने कैलाश पर्वत के शिखर की तस्वीर ट्वीट करके अपनी तीर्थ यात्रा की जानकारी दी। हालांकि इससे पहले ही खबर आ गई थी कि राहुल गांधी चीन के रास्ते कैलाश जा रहे हैं। जो कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान जिस वायुयान से सफर कर रहे थे वो उसका संतुलन बिगड़ा और क्रैश होते होते बचा। उन परिस्थितियों में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं कैलाश मानसरोवर जाऊंगा, अपने आराध्य देव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए और कैलाश मानसरोवर का परिक्रमा करने के लिए। आज वो निकले हैं
अपना संकल्प पूरा करने के लिए। राहुल गांधी की तीर्थ यात्रा से चीन का रिश्ता जुड़ते ही बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। बीजेपी को अचानक डोकलाम विवाद याद आ गया, जिसे लेकर राहुल गांधी ने संसद से लंदन तक मोदी सरकार पर सवाल दागे थे। बीजेपी ने बिना देरी किए राहुल के पुराने बयान याद दिलाए और चीन को लेकर नए सवालों की बौछार की और शुरू हो गई राजनीतिक किचकिच। कांग्रेस पार्टी से हम पूछना चाहते हैं, चाइना में कौन से पॉलिटिशियन हैं जिनसे राहुल जी मिलने वाले हैं और उनसे क्या डिस्कशंस होने वाली है? राहुल जी, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। व्हाई वाज इट दैट ड्यूरिंग द डोकलाम स्टैंड ऑफ मिस्टर राहुल गांधी केप्ट एवरी नॉर्म ऑन द स्टैंड्स एंड डिड व्हाट ही वाज नॉट सपोज्ड टू डू टू मीट द चाइनीज एम्बेसडर? भगवान शंकर के अनन्य भक्त श्री राहुल गांधी और भगवान शंकर के बीच पौराणिक प्रथाओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी बाधा डालने का एक कुत्सित प्रयास कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता के छोटे उद्देश्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी बाधा बनकर खड़े होने का षड्यंत्र कर रही है। तीर्थ यात्रा पर जाना यूं तो किसी का निजी मामला होता है, लेकिन जब कोई नेता तीर्थ यात्रा पर जाए और वो भी चुनावी भाषण में ऐलान करने के बाद, तो फिर तीर्थ यात्रा भी राजनीतिक तकरार का मुद्दा बन ही जाती है। वैसे भी राहुल गांधी जिस तरह से खुद को हिंदू के तौर पर पेश करने में जुटे हैं, उसमें तो कैलाश यात्रा पर भी क्लेश होना ही था। रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राहुल गांधी कैलाश यात्रा पर हैं तो पीएम मोदी भी शिव भक्ति में डूबे नजर आए। पीएम मोदी पड़ोसी देश नेपाल में दो दिवसीय बिम्स्टेक बैठक के आखिरी दिन काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली भी उनके साथ थे। पीएम मोदी ने यहां काठमांडू में एक धर्मशाला का भी उद्घाटन किया। इस पशुपतिनाथ धर्मशाला में 400 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है और यह धर्मशाला भारत नेपाल मैत्री का प्रतीक है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने नेपाल की अपनी पहली यात्रा में इस धर्मशाला के निर्माण का ऐलान किया था। भारत ने इस धर्मशाला के निर्माण में 25 करोड़ रुपए की मदद की है। पशुपतिनाथ मंदिर का प्रधानमंत्री का एक दूसरा दौरा है। इससे पहले वो पिछले साल मई के महीने में पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच आस्था, अस्मिता और अपनेपन की साझेदारी है। दोनों देशों के बीच शिव भक्ति और शिव भक्तों का संबंध इतना मजबूत है कि इस पर न समय का और न ही दूरी का असर पड़ता है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे वो खबर जो सीधे आ रहा है। भारत को परेशान करने के लिए चीन ने वाटर बम का सहारा लिया है। चीन में हो रही भारी बारिश की आड़ लेकर उसने भारत पर जल प्रहार किया है। चीन की साजिश का जल चला। ड्रैगन भेज रहा है जल दैत्य। बॉर्डर पार से पानी का प्रहार। ड्रैगन ने छोड़ा वाटर बम। हिंदुस्तान में बाढ़ के जबरदस्त प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। मैदान से लेकर पहाड़ तक जल प्रलय से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नदियां उफान पर हैं। इन सब के बीच बॉर्डर पार बैठा दुश्मन चीन साजिशों के नए नए जाल बुन रहा है। डोकलाम का मारा ड्रैगन अब भारत को बाढ़ से बर्बाद करने की चाल चल रहा है। सीमा और सैन्य स्तर पर भारत की चिंताएं बढ़ाने वाला चीन अब पानी के जरिए देश को मुश्किल में ला सकता है। चीन ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि उनके देश में काफी बारिश हो रही है, इसलिए वह ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन की ओर से होती हुई तिब्बत के रास्ते भारत में आती है। चीन में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि अरुणाचल में इसका नाम सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र हो जाता है। चीन सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में सांगपो नदी के जलस्तर में 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके चलते उसने नदी में 9020 क्यूसेक पानी छोड़ा है।
चीन की सरकस से असम और अरुणाचल के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। अरुणाचल में तो सियांग नदी का जलस्तर बढ़ना भी शुरू हो गया है। इस बार का जो प्लॉट है अननेचुरल है, जो जिस तरह पानी का वेव्स जो है ऊपर नीचे बहुत हो रहा है और उसका चलते सारू तरफ दोनों साइड लेफ्ट बैंक राइट बैंक पासीघाट मेबो साइड और नीचे तरफ भी और ऊपर साइड में भी बहुत इरोशन हो रहा है, तो ये बहुत चिंताजनक बात हो गया। दरअसल असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा ब्रह्मपुत्र और सतलुज से होता है। ये दोनों नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं और वहाँ से बहती हुई भारत में आती हैं। ऐसे में जब चीन ने ब्रह्मपुत्र में भारी मात्रा में पानी छोड़ना शुरू कर दिया तो भारत के माथे पर शिकन पैदा होना स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश में इंद्र देवता मेहरबान हुए तो धरती के देवता यानी डॉक्टर परेशान हो गए। छतरपुर में इस कदर बारिश हुई कि जिला अस्पताल ही जलमग्न हो गया। मरीजों का इलाज क्या होता, उन्हें तो वार्ड ही छोड़ना पड़ा। हैरान होने की जरूरत नहीं, ये अस्पताल ही है। जब जब जोरदार बारिश होती है तो ये अस्पताल इसी तरह तालाब की शक्ल सूरत अख्तियार कर लेता है। और ये कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं, मध्य प्रदेश के छतरपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। दो दिनों तक छतरपुर में लगातार बारिश क्या हुई, अस्पताल ही बीमार हो गया और मरीज अपना मर्ज भूल गया। डॉक्टर भी मरीजों का इलाज भूलकर अस्पताल के इलाज के लिए यहाँ वहाँ भागते रहे। अस्पताल की तस्वीर पर गौर कीजिए, ग्राउंड फ्लोर का कोई कोना नहीं बचा जहाँ पानी ना घुसा। ये गंभीर रूप से बीमार लोगों का वेटिंग रूम है। पूरे वेटिंग रूम और गलियारे में सैलाब उमड़ आया है। ग्राउंड फ्लोर के वार्ड में पानी घुसने के बाद यहाँ भर्ती मरीजों को फर्स्ट फ्लोर और दूसरे फ्लोर के वार्ड में शिफ्ट किया गया। अस्पताल के जिन स्टाफ को मरीजों की देखरेख करनी थी वो हाथ में झाड़ू और वाइपर लेकर पानी हटाते दिखे, लेकिन पानी इतना ज्यादा भरा था कि इनके पसीने छूट गए। अस्पताल के पास निर्माण कार्य होने की वजह से पानी जम जाता है और वो अस्पताल में घुस जाता है। इसका स्थायी इलाज जब तक नहीं होता तब तक इसी तरह अस्पताल हर बारिश में बेहाल होता रहेगा। जयप्रकाश, छतरपुर, इंडिया न्यूज। अब आपके काम की दो खबरें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के बीमा के नियमों में कल से बदलाव कर दिया है। रेल यात्रियों को 1 सितंबर से रेल टिकट पर इंश्योरेंस कवर को वैकल्पिक बना दिया गया है। मतलब अब रेल यात्रा के समय बीमा कराना है या नहीं, ये यात्रियों को तय करना पड़ेगा। जो रेल यात्री बीमा कवर लेने का विकल्प चुनेंगे उन्हें इसके लिए अपनी जेब से प्रीमियम देना होगा। रेलवे टिकट पर मुफ्त बीमा की योजना दिसंबर 2017 में शुरू की गई थी। डिजिटल टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने मुफ्त बीमा की सौगात दी थी। उससे पहले रेल यात्रियों से प्रीमियम के नाम पर 92 पैसे लिए जाते थे। रेल यात्रा के दौरान बीमा कवर में रेल हादसे में मौत होने पर यात्रियों को 10 लाख, दिव्यांग होने पर 7,50,000 और घायल होने पर 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। वहीं 1 सितंबर से ही दोपहिया और 4 पहिया गाड़ियां खरीदने के लिए भी बीमा के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला किया गया है कि अब गाड़ियां खरीदने पर सालाना इंश्योरेंस के बजाय लंबे समय तक इंश्योरेंस कराना होगा। दोपहिया वाहनों के लिए 1 साथ 5 साल और 4 पहिया गाड़ियों के लिए 1 ही साथ 3 साल का इंश्योरेंस कराना अनिवार्य कर दिया गया है। 1 साथ 3 या 5 साल तक इंश्योरेंस कराने का सीधा मतलब ये है कि अब गाड़ी खरीदने वालों को 3 या 5 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम एक साथ देना होगा। इससे नई गाड़ी खरीदते समय जेब थोड़ी ज्यादा ढीली होगी। फायदा ये है कि हर साल इंश्योरेंस रिन्यू कराने का झंझट खत्म हो जाएगा। लगातार मुश्किलों में घिरे बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार के लिए आज राहत की एक बड़ी खबर आई। चारा घोटाले में जेल भेजे गए लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को रेलवे टेंडर घोटाले में जमानत मिल गई।
लंबे समय से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का कोर्ट और जेल आना जाना लगा रहा है, लेकिन पहली बार उनके छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश हुए। रेलवे टेंडर घोटाले में आरोपी के तौर पर तेजस्वी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट रूम में मां बेटे साथ साथ बैठे, दोनों की धड़कनें बड़ी हुई थी कि न जाने बेल मिलेगी कि जेल होगी। सीबीआई की चार्जशीट दायर होने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन भेजा था। सभी आरोपियों ने जमानत की अर्जी भी लगा दी, जिसे मंजूर कर लिया गया। माननीय न्यायाधीश, न्यायिक व्यवस्था का शुक्रिया, उन्होंने तमाम चीजों को देखते हुए बेल देने का निर्णय किया। ये कानूनी लड़ाई है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। राबड़ी तेजस्वी को बेल मिलने से जहां आरजेडी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि बेल से क्यों इतरा रहे हैं, अभी बरी नहीं हुए हैं। न्यायालय का मामला है, न्यायालय का निर्णय है, बेल मिला है, बरी नहीं हुए हैं, तो न्यायालय के मामले में बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। न्यायालय को ही निर्णय करना है, न्यायालय अपने गुण दोष के आधार पर अपना निर्णय देता है और दे भी रहा है, उनके परिवार के और लोगों के बारे में निर्णय दे रहा है, तो न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार करना चाहिए। रेलवे टेंडर घोटाले का मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू ने पद का दुरुपयोग करते हुए आईआरसीटीसी के पुरी और रांची वाले होटल को लीज पर एक कंपनी को दे दिया। ये भी आरोप है कि लीज के बदले इस कंपनी ने पटना में लालू की करीबी की कंपनी को महंगी जमीन दी और बाद में जमीन राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ट्रांसफर कर दी गई। भले ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को रेलवे टेंडर घोटाले में जमानत मिल गई हो, लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर अभी छूटने वाला नहीं है। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की वकालत करने वाली बीजेपी को झटका लगा है। खुद लॉ कमीशन ने कह दिया है कि मौजूदा समय में समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है। लॉ कमीशन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन समान नागरिक संहिता को लेकर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ को लेकर विस्तृत चर्चा करने के बाद लॉ कमीशन ने ये पेपर जारी किया। विवाह, तालाक, संपत्ति बंटवारा जैसे मुद्दों पर इस कंसल्टेशन पेपर में राय रखी गई है। लॉ कमीशन के मुताबिक इस चरण में यूनिफॉर्म सिविल कोड न तो जरूरी है और न ही वांछनीय है। लॉ कमीशन ने ये जरूर कहा है कि मौजूदा पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत है। ये भी कहा गया है कि धार्मिक रीति रिवाजों और मौलिक अधिकारों के बीच सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता है। लॉ कमीशन ने कहा कि ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अवैध बता रखा है। एक तरफा तलाक को घरेलू हिंसा कानून के तहत दंडिता किया जाना चाहिए। लॉ कमीशन ने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मॉडल निकालनामे पर विचार करने की जरूरत है। लॉ कमीशन की तरफ से कहा गया है कि बहुविवाह मुस्लिमों से ज्यादा दूसरे धर्मों में भी प्रचलित है। गैर मुस्लिम लोग बहुविवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। 2019 से पहले सियासी मुद्दों को शोर हर दिन के साथ गरमाता जा रहा है। गुजरात चुनाव में ताकत दिखाने वाले पाटीदार नेता अब लोकसभा चुनाव के लिए जोर आजमाइश करने लगे हैं। पाटीदार समुदाय के लोगों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने की मांग कर रहे हार्दिक पटेल का अनिश्चितकालीन सातवें दिन अनशन पहुंच गया है और हार्दिक ने अब पानी पीना भी बंद कर दिया है। अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने हार्दिक का चेकअप किया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन मोरवाडिया, कॉरपोरेशन में विपक्ष के नेता दिनेश शर्मा समेत कई नेता हार्दिक पटेल के समर्थन में उतरे और उनके अच्छे स्वास्थ्य को लेकर आयोजित रामभूमि कार्यक्रम में शामिल हुए। और अब एक ऐसी खबर जिससे फैमिली कोर्ट के वकीलों के पसीने छुड़ा दिए हैं। यहाँ एक शख्स ने कोर्ट के आदेश पर अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दिया, लेकिन इस अंदाज में दिया कि वकीलों को उसे गिनने में 3 घंटे लग गए। बोरों में भरे 10-10 और मेज पर लगे 1, 2 और 5 के सिक्कों की ढेर की ये तस्वीर किसी टकसाल की नहीं है। सिक्कों का ये ढेर एक शख्स की दिन रात की मेहनत का नतीजा है, जिन्हें कोर्ट के आदेश पर वो अपनी पत्नी को देने के लिए लाया है। ये तस्वीरें गुजरात के नडियाद के फैमिली कोर्ट की है और इस शख्स का नाम जयेश तलपदा है, जिसका अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है और वो उससे अलग रह रही है। मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने जयेश को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने का फरमान सुनाया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जयेश ने अपनी पत्नी को गुजारे भत्ते के रूप में 80,000 रुपए की दूसरी किश्त दी है।
और ये पूरी रकम सिक्कों के रूप में है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जयेश को दो किस्तों में 1,06,000 रूपए देने थे। जयेश ने पहली किस्त में 26,000 रूपए दिए थे, वो भी सिक्कों के रूप में ही थी। जयेश का कहना है कि वो सब्जी भाजी का व्यापार करता है, ऐसे में उसके पास चिल्लर ही ज्यादा आते हैं, जिन्हें नोटों में बदलना उसके लिए मुश्किल भरा होता है, इसलिए उसने सिक्कों के रूप में गुजारा भत्ता अदा किया है। जयेश ने तो कोर्ट के आदेश पर अमल कर दिया, लेकिन उसके तरीके ने वकीलों के पसीने छुड़ा दिए। उन्हें इस रकम को गिनने में 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। अरविंद शर्मा, नडियाद, इंडिया न्यूज। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज की